अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर भारत स्काउट और गाइड के सदस्यों द्वारा शनिवार को सिविल लाइन स्थित स्काउट कुटीर परिसर में वृहद पौधरोपण किया गया। इस मौके पर स्काउट गाइड के आयुक्त डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने बताया कि हमारा उद्देश्य पौधरोपण करना ही नहीं है, बल्कि सभी वॉलंटियर्स को जिम्मेदारी दी गई है कि इन पौधों को सुरक्षित रखने के साथ साथ इनकी देखभाल भी करें, जिससे यह फल फूल सके। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्काउट एवं गाइड के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गाइड नीलू भारती एवं स्काउट गाइड आयुक्त डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने बताया। पौधा भी लगाते हुए आ जाएंगे सर, आगे कर लेंगे। नीलू भारती, पौधा दिवस है आज के दिन। हम लोग पौधा रोपण करते हैं और यहाँ पे हम लोग उपस्थित हैं, और कोरोना काल भी चल रहा है। अगर हम लोग पौधा नहीं जमाएंगे तो हमको हरियाली नहीं मिल सकती है, उसके लिए धन्यवाद। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, स्काउट आयुक्त गोरखपुर। आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्काउट गाइड संस्था की तरफ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। उद्देश्य हम लोगों का केवल ये नहीं है कि पौधे लगाएं ही, पौधों को बचाना भी उद्देश्य है। इसलिए प्रत्येक वॉलंटियर द्वारा जो है एक एक पौधे लगाए जा रहे हैं, और उनकी जिम्मेदारी भी उनको है ताकि उस पौधे को गोद लें और उसको बचाने का भी कार्य करें। आज जिला संस्था के हमारे पदाधिकारी SOC नौसाद जी यहाँ उपलब्ध हैं, हमारे सचिव अभिषेक जी, DTC स्काउट अजय कुमार सिंह जी हैं, और राजेश चौधरी जी, DTC गाइड इशरत सिद्दीकी जी, और वॉलंटियर के रूप में जो है किरण जी, DTC गाइड के रूप में हमारी दुर्गावती धुसिया जी, और ढेर सारे बच्चे जो है उपलब्ध हैं। और सबने संकल्प लिया है आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में कि हम न केवल यहाँ पौधे लगाएंगे, जहाँ भी जगह खाली मिलेगी पौधे लगाने का और पौधे बचाने का कार्य करेंगे।